मुरादाबाद महानगर के दिल्ली रोड स्थित राही होटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यश वंडर वुमेन क्लब और सेव गर्ल ट्रस्ट और बाल विकास विभाग महिला कल्याण विभाग द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री महिला कल्याण की बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में निदेशक केमिकल सुनेना प्रकाश अग्रवाल और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने वाली सभी समिति के सदस्यों को मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के माध्यम से सम्मानित किया गया। इस दौरान जनपद मुरादाबाद में 45 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मुख्य अतिथि द्वारा इस आशा के साथ सम्मान दिया गया कि वो हमेशा समाज के हित में काम करती रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताने के साथ ही कहती हैं कि हमेशा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ और हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी संस्था काम कर रही है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ SPCT अखिलेश भदौरिया, निवर्तमान महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित के साथ भारी संख्या में मुरादाबाद शहर की सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लेकर आगे बढ़ रही है और महिला हित के लिए बेहतर काम किए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में महिला हित के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं आशा करूंगी कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहे जिससे महिलाओं को और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती रहे। के पायदान पर जो हमारी बहन बैठी है, जो कार्य कर रही है और इनका सम्मान करना बड़ी बात है और वो आज यहाँ से किया गया है। मैं सभी मेरी आंगनबाड़ी की बहन बैठी है, मैं होली के कहते हैं खुशी की शुभकामना देती हूँ और शक्ति स्वरूपा नवरात्रे आ रहे हैं उसकी भी शुभकामना है। हम लोगों के बीच में मुरादाबाद के DM बैठे हैं, SP बैठे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली जी बैठी हैं, PO भी हैं। जिनकी DM साहब को शासन कर रहे वो हमारी एक बहन है देखा जाए तो, और हमारे कंधे से कंधा मिला के मजबूती से काम कर रहे हैं मुरादाबाद में। और जब से मैं आई हूँ करीब एक साल हो गया, तब से उनका आग्रह है कि मैडम एक बार आप मुरादाबाद आके देखिए। और सही मायने में तो इनका जो कार्य है बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। और इस मायने में कि इन्होंने कुपोषित बच्चों को पोषित किया है, कितने बच्चों की जानें बचा ली, जो बच्चे हमारे एनीमिया से ग्रस्त थे उन एनीमिया जो है बीमारी जो खून की कमी के कारण हमारे छोटे बच्चे ठीक नहीं हो पाते थे, उन 8,000 बच्चों को एनीमिया से निकाल दिया है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य ये कर रही हैं और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, ये बड़ी बात है। अगर कोई अधिकारी हमारा काम करे और उसे सम्मान की आवश्यकता नहीं है तो ये मानिए वो दिल से काम करे, वो समाज के लिए काम कर रहा है, वो गरीबों के लिए काम कर रहा है, जो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। बहनों, मैं अभी आपकी ये पुस्तक देख रही थी, मेरी आंगनबाड़ी, इसमें कई बहनों ने अपने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वाकई बहुत मन को छूने वाले हैं। प्रिया अग्रवाल ने लिखा, तानिया भाटिया ने लिखा, ऋचा अग्रवाल जी ने लिखा है, सपना अग्रवाल ने लिखा है, रीना मल्होत्रा जी ने लिखा है, भारती सोनी, पूजा अग्रवाल, श्रुति अरोड़ा, सुनीता कोठीवाल, सोनिया अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, रूपांगी अग्रवाल, रिया कपूर, मतलब मुझे आज ऐसा लग रहा है, और अनुपाल राधा।
संपन्न परिवार से हैं, क्योंकि मैं देखती थी कि संपन्न परिवार की महिलाएं या तो किट्टी में व्यस्त रहती हैं या कुछ और काम कर रही हैं। लेकिन आप गांव-गांव गई, हमारी आंगनवाड़ी तक गई, उन बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखा और आपने खुद लिखा कि हमें यहाँ कार्य करने से या सेवा करने से सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है, खुशी मिल रही है, ये बड़ी बात और यही होना चाहिए। आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे जो 150 आंगनबाड़ी ट्रेन का कार्यक्रम हुआ है उसमें आप लोगों का बहुत योगदान है। यहाँ डॉक्टर बैठी है, वो भी काम कर रही है, एक और बहन बैठी है जो वृद्धाश्रम चला रही है, मतलब आप अनेक तरह के कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी महिलाओं और मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से हमेशा ही महिला हित के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि मैडम आपके अनुराधी में है कि 1975 में आईसीडीएस विभाग का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक जो उन विभागों में सम्मिलित है कि जो देश की ऊर्जा को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास कर रहा है और उससे काफी हद तक सफल हुआ है, चाहे किशोरी महिलाएं हो, चाहे गर्भवती महिलाएं हो, चाहे दादी महिलाएं हो, चाहे हमारे जीवन से सीमा से बीच के बच्चे हो, कई बार हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी प्रोफेसर से बात करते हुए इन जो फाउंडेशन से इनकी भाषा को कई बार भूल जाते हैं। जैसे कहा गया है कि जब एक जंगल में आग लगी थी तो तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस और प्रशासन सब उस आग को बुझाने में लगे हुए थे, वही पर एक छोटी सी चिड़िया भी अपने चोर से पानी भर कर ला रही थी और बार बार वहां पर जंगल के ऊपर डाल रही थी, तो लोगों ने कहा कि जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी तो तुम्हारे इस प्रयास का क्या मतलब है, तो उसने कहा जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। हमारी जो आंगनबाड़ी की गाड़ियां हैं जो 1975 में इन्होंने एक प्रयास शुरू किया उसकी भी बढ़त आज देखने को मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब मिशन शक्ति कार्यक्रम का आह्वान किया तो सबसे पहले आईसीडीएस डिपार्टमेंट को माता दिए, पुलिस विभाग के बाद आईसीडीएस विभाग को माता दिए, ये आप सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और निश्चित रूप से इस फाउंडेशन को मजबूत बनाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका जो नीति विषय निर्देश रहे हैं वो भी कारगर रहे हैं। कई बार हमारे बहुत लगता है कि हम बहुत ग्राम स्तर काम करते हैं, हमारी महत्ता भी है। मैं आपकी महत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपकी बात को बताना चाहूंगा। आप सब लोगों ने मानसून का नाम सुना होगा जो चीनी कलात्मक भी रहे हैं और आदमी की चीन के अंदर लाता जनरल में उनका नाम रहा है। जब हम छोटे थे तो एक बार उनकी माँ की तबीयत खराब हुई, माँ हॉस्पिटल जाने लगी, उन्होंने बच्चे से कहा मानसून से कि देखो ये जो हमने गुलाब लगा रखे हैं इन गुलाबों को तुम प्रॉपर केयर करना, हम जब तक 15 दिन लौट के आए ये सब ऐसे ही हमारे फूल हरे हरे बने रहे। माँ हॉस्पिटल से चली गई शहर में, मानसून एक एक पत्ते को रोज सींचता था, एक एक फूल को रोज धुलता था, जब माँ 15 दिन बाद लौटी लगा सभी के सभी फूल सूख चुके थे, सभी पौधे सूख चुके थे। माँ को गुस्सा आया, माँ ने डांटा, उसने कहा कि तुमने क्या किया, एक छोटा सा काम किया था तुमने नहीं करता है। मानसून रोने लगे, उन्होंने कहा माँ मैंने एक एक फूल को सींचा है, एक एक पत्ते को सींचा है, अगर ऐसे सूख गए तो मेरे लिए क्या करनी है। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, इस शायद उन्होंने जड़ में पानी लेने की बात उसको नहीं सताई थी। आप वही काम करती हैं, बच्चे की जड़ों में पानी देने का काम उसी